गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल नेहा सिंह ब्लॉग पे। और सबसे पहले आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईद मुबारक आप सभी को। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो मेरी गुण है बेटी, वो अक्षय तृतीया के ही दिन पैदा हुई थी। तो अगर तिथि के हिसाब से हम देखें तो उसका बर्थडे आज है, तो उसका बर्थडे हम कुछ अलग तरीके से आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलो आप लोगों को मैं लेकर के चलती हूँ अपने साथ और उसका बर्थडे सेलिब्रेट। सो गाइज, ये है कल्याण कुंज वृद्धाश्रम, बिलासपुर में है ये। हम गुण का बर्थडे सेलिब्रेट करने यहाँ आए थे। एक्चुअली मेरा बहुत शुरू से मेरी मन की ये इच्छा थी कि मैं गुण का जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट ऐसी जगह में करूँ। सो मैं ऑर्फनेज यानी कि अनाथ आश्रम में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी, बट कोविड की वजह से वहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, उन्होंने हमें बच्चों से इंटरेक्शन करने के लिए मना कर दिया। तो फिर हम वहाँ पर, हमको अलाउ नहीं किया गया जाने के लिए, तो फिर हम वृद्धाश्रम आ गए। और यहाँ आते ही ना गाइस, मतलब दिल को इतना सुकून मिल रहा था ना। हर कोई सिर्फ दुआ दे रहा है, हर कोई सिर्फ आशीर्वाद दे रहा है, वो है बहुत दुख में, दर्द में। कुछ लोग अपनी बातें बता रहे थे, हमने उनसे पूछा यहाँ कैसे हैं, तो वो लोग जो बता रहे थे ना, सुन के बड़ा दया आ रहा था यार। मतलब दुख लग रहा था कि कैसे कोई अपने माँ बाप को यहाँ पर छोड़ सकता है। और ऐसा भी नहीं कि ये लोग अकेले थे, सबके बच्चे हैं, बेटा है, बहू है, बेटी है, बट स्टिल वो लोग यहाँ हैं। चलो ना, हो गया छोड़। लो पकड़ो पकड़ो, काटने दो तो काटने। कोई परिवार वाले किससे कैसे बांटे इसको, केक नहीं आते बाबू को बांट दो, आप बांटो ना मम्मी, उनको दूसरे को दो। देखते जाओ सबको। देन फिर हमने यहाँ पर जितनी भी माताएं थी उनको हमने स्वीट्स एंड बिस्किट्स, फ्रूट्स, ये सारे हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया। और इतना दिल को सुकून मिल रहा था ना, वो इतने स्माइलिंग फेस से उसको एक्सेप्ट कर रहे थे और हमें आशीर्वाद दे रहे थे। तो मैंने अपने लाइफ का एक एजेंडा तो सेट कर लिया है कि अब कुछ भी हो जाए, जितना मुझसे बन पाएगा, मैं हर महीने इनके लिए और ऑर्फनेज में अपनी तरफ से, अपनी बेटी की तरफ से और अपने माँ बाप की तरफ से यहाँ पर ज़रूर से कुछ ना कुछ अब मैं दान करूँगी, जितना मुझसे हो पाएगा, छोटा बड़ा जो भी हो पाएगा, बट मैं करूँगी। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई बाउंडेशन नहीं है, बट जितना हो सके ऐसे लोगों की मदद करिए जिनसे आपको आशीर्वाद मिलेगा, तो बिल्कुल से करो यार, दिल को बहुत सुकून मिलता है। ये लोग अपने अपने घर की बातें बता रहे थे कि किस मजबूरी में वो लोग यहाँ पर हैं, तो सुन के बड़ा ख़राब सा लग रहा था यार, पर ठीक है, यहाँ पर ये लोग अपने घर से ज़्यादा खुश है तो अच्छी बात है। अच्छी बेटी,
हाँ मेरी मम्मी, मैं इसकी मम्मी हूँ। हाँ आज ना तिथि के हिसाब से है, वैसे 14 तारीख को है इसका जन्मदिन। जाओ मेरी रानी बेटी मेरे पास आ गई भाई। वाह वाह, ये अले अले अले। हम लोग अपने बच्चा का बर्थडे मना के आ गए। आ जाओ आप भी आओ अंदर, झांक रहे हो दूर से। कैसा लगा मम्मी आपको, अपना एक्सपीरियंस बताओ। फ्यूचर दिखा। आपके इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं मम्मी, आपको वृद्धाश्रम जाने की नौबत नहीं आएगी और किसी के भी माँ बाप को नहीं जाना चाहिए, है ना। इधर उधर खर्चा करने से अच्छा मेरे को तो बिल्कुल से फीलिंग आ गई है कि अब मैं हर महीना वहाँ डोनेशन कर के तो क्या, इधर उधर देने से अच्छा वहीं जाके देखते हैं। गुण एज यूजुअल सो गई बेचारी, इतना प्यार कर रही थी मैं, दे रही हूँ। एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्यों दे रहा आप को घड़ा बता दो, अक्षय तृतीया में देते हैं ना। देन गाइज ये मेरी सबसे छोटी वाली मामी है। हम जैसे घर आए वैसे तुरंत 5 मिनट बाद मामा मामी घर आ गए। और अक्षय तृतीया में हमारे यहाँ क्या होता है ना, भांजी को दान किया जाता है, तो दान में घड़ा और उसके अंदर उन्होंने और भी सामान रखा हुआ था, ये दान होता है, तो उन्होंने मुझे और सोनू दोनों को दान दिया। तो ये हमारे यहाँ का रिचुअल है, आप बताना कमेंट में आपके यहाँ भी ये होता है या नहीं। हम आ गए वापस और बहुत अच्छा लगा यार, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बयां करने को, दिल को इतना सुकून मिल रहा है उन लोगों का आशीर्वाद दुआ लेकर के, बहुत अच्छा लगा। गुन का बर्थडे 14 को है आने वाले, आई डोंट नो वो बर्थडे उसका कैसे मनने वाला है, बट आज का बर्थडे उसका बेस्ट मना है, बहुत अच्छा लगा। मतलब बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया उसका ये बर्थडे, मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पर जा कर के। और ठीक है हमको जाना कहीं और, बट ठीक है जहाँ नसीब यार जहाँ लिखा था हम वहाँ पर आज चले गए। तो अब ये वीडियो को मैं व्लॉग को यहाँ पर मैं एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी आगे वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और चलो अब चलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।